नमस्कार दोस्तों, मैं विजय जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी इवरीड पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे मैथ्स गणित कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ्स सीखने का सुनहरा मौका एक कदम बेसिक से। ये पार्ट थ्री है दोस्तों। बेसिक का मतलब होता है जीरो से हाई लेवल तक। तो जीरो से हाई लेवल तक कैसे हम आपको मैथ्स सीख सकते हैं, चलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। और इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने बना चुके हैं इसके ऑलरेडी, तो आपको डिस्क्रिप्शन में या हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे वीडियो, तो वो भी हमारा देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट। इसके बाद ये थर्ड पार्ट है। तो चलिए समय ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये दोस्तों बहुत ही सुनहरा मौका है जिनका मैथ्स बेसिक कमज़ोर है, वीक है, ठीक है। तो आप फैमिली मेम्बर में जितने भी मैथ्स वीक है, कमज़ोर है, उनको ये शेयर कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पहला है आपका व्हेन। व्हेन यानी होता है क्या होता है दोस्तों, फ्रैक्शन। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। किसी तत्व के निश्चित हिस्सा हो क्यों क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी एक से अधिक नहीं होता है। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3/4 दिया हुआ है, फिर आपका क्या है 2/3 दिया हुआ है, फिर आपका 5/7 दिया हुआ है। ऊपर वाली हमेशा संख्या अंश होती है और नीचे वाली हर होती है दोस्तों, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमेटर, ठीक है। तो ऊपर वाली आपकी अंश और नीचे वाली हर होती है, तो एक से अधिक आपका भिन्न कभी नहीं होता है, ठीक है। जैसे 3/4 हो गए, एक से अधिक नहीं, मतलब तीन हिस्से का तीन कोई हिस्सा उसके चार भाग हो जाएं, दूसरा है दो कोई हिस्सा उसके तीन भाग हो जाएं, फिर तीसरा है 5/7 यानी पाँच हिस्सा उसके सात भाग हैं। जैसे बोलते हैं ना, आपके चार भाई हैं तो उनमें आपके पिताजी एक हैं, तो उनका क्या है आपका बंटवारा किया जाता है, तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो पाँच आपका ऊपर क्या अंश हो जाएगा, सात जो नीचे है बटे में हर हो जाएगा, ठीक है। तो अंश आपका क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, और हर आपका क्या होता है, डिन्यूमरेटर होता है, ठीक है। तो भिन्न दो प्रकार की होती, कौन सी दोस्तों, पहली होती है आपकी साधारण भिन्न, होता है आपका साधारण भिन्न, दूसरा होता है आपका सेकंड संयुक्त भिन्न, ठीक है। सेकंड आपका संयुक्त भिन्न हो गया। पहला साधारण भिन्न में क्या हो जाता है, जैसे 2/3 है, फिर आपका क्या है 7/4 दिया हुआ है, फिर थर्ड आपका क्या दिया हुआ है 8/9 दिया हुआ है, यानी ऊपर वाली संख्या क्या होती है अंश होती है, और नीचे वाली आपकी हर होती है। संयुक्त भिन्न में क्या होता है, जैसे 2 सही 1/3, 7 सही 2/3, तो इसको सही शब्द क्या होता है, वो आपका पूर्णांक होता है, जैसे आपके यहाँ पे दिया गया है पूर्णांक और साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में और संयुक्त भिन्न में क्या अंतर है, संयुक्त भिन्न में आपका पूर्णांक दिया रहता है, और साधारण भिन्न में साधारण भिन्न अंश और हर दिया रहता है, लेकिन आपके संयुक्त भिन्न में पूर्णांक दे दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त भिन्न कहते हैं। जैसे 8 सही 2/7, ये आपका संयुक्त भिन्न आ जाएगा। जो सामने वाली संख्या होती है जैसे 8 यहाँ पर, वो आपका पूर्णांक होता है, और 2/7 आपकी साधारण भिन्न होती है, ठीक है। अब बात करेंगे साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। दोस्तों साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं, ये इसके लिए बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल देखेंगे कि फर्स्ट एग्जांपल में दिया कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। दोस्तों अब आप जान गए कि साधारण भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश और बटे हर दिया हो वो साधारण भिन्न होती है। अभी तक आपने ये जाना, संयुक्त भिन्न में संयुक्त भिन्न भी जान लिया, जिसमें आपका पूर्णांक दिया रहे तो वो आपका संयुक्त भिन्न होता है, लेकिन साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना अभी आपने नहीं सीखा, तो वो हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर बता रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए, समझ में आ जाएगा सारा, मैथ्स के बेसिक चीज़ें हैं। तो पहला एग्जांपल आप देखेंगे, 7/2 दिया हुआ है ना, फिर क्या दिया 3 सही 1/2 संयुक्त भिन्न दिया हुआ है, ठीक है। साधारण भिन्न आपका 7/2, संयुक्त भिन्न 3 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे 7 में अगर 2 का भाग देंगे ना, तो कितने बार जाएगा, 3 ही बार जाएगा ना, क्योंकि 2 3 6 होता है, और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये तो यहाँ पे देखिए, जो आप कितने बार जा रहा है, जो 3 कितने बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, तो बार सब जो है ना उसको पहले लिखेंगे, जो शेष बचेगा उसको ऊपर लिख लेंगे, और बटे में जो संख्या पहले से ही रहती है यानी कि जिससे भाग दिया जाता है उसे लिख लेंगे। तो 3 सही 1/2 आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त भिन्न बन जाएगा। तो कैसे है, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में देख लिए कैसे किया जाता है, जैसे 7 को हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, जैसे बार बार क्या होता है, शेष बटे हर आपका हो जाता है, लेकिन कितनी बार जा रहा है वो आपको लिख लीजिए। 7 में 2 का भाग देंगे, 3 2 3 6 होगा, शेष 1 बचेगा,
ठीक है, कितनी बार जाना, 3 बार जाना, तो बार शब्द उसे पहले लिख लेंगे और जो शेष बचे उसे ऊपर और बटे में जो संख्या हो तो वही लिख देते हैं। तो 3 संयुक्त बटे 2 जैसे ये साधारण बिन को संयुक्त बिन में बदल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। देखिए सेकंड एग्जाम्पल जो दिया है उसे भी देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपने देख लिया 7/2 का, 3 संयुक्त बटे 2 में संयुक्त द्विगुण में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम दोस्तों आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करेंगे तभी हमको पता चलेगा। चलिए सेकंड एग्जाम्पल में से देखिए, यहाँ पे साधारण बिन 17/3 को 5 सही 2/3 में कैसे, 17 में अगर हम 3 का भाग देंगे तो 3 5 बार जाएगा, 15, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो कितनी बार जा रहा है, 5 बार जा रहा है। तो 5 शब्द क्या आएगा, पहले आ जाएगा, जो शेष बचेगा ऊपर जाएगा और जो बटे में रहता है वह पहले से ही उसी को सेम सेम लिख देते हैं। तो 5 सही 2/3 आपका संयुक्त बिन हो जाएगा, किसका, 17/3 का। अब यहाँ पे नोट देख लीजिए दोस्तों, नोट दिया केवल उन्हीं साधारण बिन को संयुक्त बिन में बदला जा सकता है या बदला जाता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा हो, यानी जो अंश और हर है ना, ऊपर वाला जो आपका अंश है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, जब बड़ा होगा तभी तो भाग दे पाएंगे ना भाई, जब हमें भाग देंगे तब ना संयुक्त निकल आएगा, संयुक्त भिन्न निकलेगा, जब नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग देंगे तब हमें संयुक्त प्राप्त होता है, जैसे 7/2 का हुआ है। लेकिन अगर 7/9 दिया हुआ है तो यह आपका संयुक्त भिन्न नहीं बन पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यह संयुक्त भिन्न आपका नहीं बन सकता है। ठीक है, 7/9, क्योंकि 9 से हम 7 में भाग नहीं दे सकते, वहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 बढ़ाएंगे तब जाके बांट, लेकिन आपका ये संयुक्त भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर ऊपर वाली यानी अंश वाली संख्या हर से आपके बड़ी है, यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो आप क्या कर सकते हैं, संयुक्त भिन्न बदल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब देखिए अगला अगला टॉपिक है दोस्तों, संयुक्त बिन को साधारण बिन में बदलना। अभी तक आपने देखा था कि साधारण बिन को हम संयुक्त बिन में कैसे बदल पाए थे, लेकिन अब हम देखेंगे संयुक्त बिन को साधारण बिन में कैसे बदल पा रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। और अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात, आपने अगर हमारा फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो हमारे डिस्कशन में जाकर देख सकते हैं जरूर। चलिए यहाँ पे संयुक्त बिन को साधारण बिन में बदलना सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट दिया है 7 सही 2/3 बराबर क्या दिया, 23/3। भैया 7 सही 2/3 दिया है ना, तो क्या करेंगे, 23/3 कैसे आया, साधारण बिन कैसे आ गया, 7 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है, 7 और 3 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या जो उसका प्लस करेंगे, यानी 7 3 21 2 कितना हो जाएगा, 23 हो, क्या करेंगे, स्टार्टिंग से 7 सही 2/3 है, 7 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसे प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 23/3, जैसे 7 3 21 2 कितना होगा, 23/3 जो है वही लिख देंगे, 23/3, क्या करेंगे, 7 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 7 और 3 का मल्टीप्लाई और ऊपर वाली संख्या का प्लस कर लेंगे, यानी जो पूर्णांक संख्या रहती है, जो बटे में संख्या होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर आपके अंश से प्लस कर देते हैं और नीचे वाली बटे में संख्या लिख सकते हैं। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, 9 सही 3/4, अब क्या करेंगे, 9 और 4 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 9 सही 3/4 दिया हुआ है, 9 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाली 3 की संख्या जोड़ लें, मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर वाली संख्या को जोड़ना है दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब पहले से आपको प्लस नहीं करना है, पहले आप ऐड कर लीजिए, 9 6 36 3 39/4 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 39 बार आप संयुक्त बिन को साधारण में चेंज कर लिए। अब बात करते हैं नोट, नोट यहाँ पे क्या ध्यान रखना है ये भी देख लीजिए, भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में, भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता है, संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदल लेते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात, किसी भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में नहीं हल किया जा सकता। ठीक है, सदैव साधारण भिन्न नहीं, उसे संयुक्त भिन्न में हल नहीं किया जा सकता, संयुक्त भिन्न को हल करने के लिए साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। अगर आपका संयुक्त भिन्न है उसे साधारण भिन्न में बदलेंगे, जैसे एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन पहला आपके SSC CGL 2011 में पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपका 99, ठीक है, ये आपके पूर्णांक दिया हुआ है, 98/99 दिया, यानी कि 99 सही 99 सही 98/99 मल्टीप्लाई 99। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं दोस्तों, गलती आप ये करते हैं, जो 99 है ऊपर मल्टीप्लाई में बटे में उसको 90 क्या है, काट देते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करना है। ठीक है, ये बहुत गलत है, इसीलिए आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे सॉल्व करना है, अब यहाँ पे सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन क्या है, 99 दिया है ना, फिर है ऊपर 98/99 दिया है ना, उसे कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर पहले आपको क्या है, 99 मल्टीप्लाई करेंगे, पूर्णांक के बटे में संग मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या को प्लस करते हैं, अभी मैंने बताया था आपको जो बटे में वो बटे में लिख देते हैं, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 99 मल्टीप्लाई 99 प्लस 98 है ना, 99 का 99 मल्टीप्लाई कर दिए, फिर प्लस 98 लिख दिए,
ये आपका आ गया, ठीक है, बटे में 99 लिख दिए। अब जो मल्टीप्लाई 90 वो अलग से, वो अलग से लिख दिए यहाँ पे 99, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैसे लिखे हैं, 99 से अब आप काट सकते हैं, ये कट जाएगा। अब शेष कितना बचा, 99 मल्टीप्लाई 99 प्लस, तो 99 को क्या लिख दें, 100 माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पर। 99 को क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1 लिखेंगे, नहीं 100 ऋण 1 लिख देंगे, तो 99 ही होगा ना दोस्तों। अगर 100 में 1 को माइनस करेंगे 99 ही होगा, प्लस 98 तो वो सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। अब अगर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 99 से, अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 99 से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपका 9900 आ जाएगा, और माइनस आ जाएगा, फिर 99 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 99 आ जाएगा, फिर प्लस आपका 98 तो 98 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए टोटल यहाँ पे ये ब्रैकेट में देखिए -99 और +98 दिया हो, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, दोनों का अगर माइनस करेंगे या प्लस कर लीजिए तो -1 ही आ जाएगा ना, क्योंकि 99 माइनस वाली संख्या बड़ी है, 98 छोटी है, तो -99 +98 -1 हो जाएगा इनमें से। और यहाँ पे आप क्या है, 9900 है, -1 कर देंगे, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 9899, यानी कि 9899 आपका आंसर आ जाएगा, 9900 में आपको एक माइनस कर देना है। तो यहाँ पर एक लॉजिक है, जो 100 माइनस 1 लिखा गया है, यानी 99 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो इस ट्रिक से हम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर समझ गए होंगे तो उम्मीद करता हूँ सभी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि लाइक करने से मोटिवेशन मिलता है। हमारे चैनल को विजिट कर लीजिएगा ताकि इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखने का, जो ये तीसरा पार्ट है देख सकते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो भी आप आसानी से देख सकते हैं इनबॉक्स में। और एक इंपॉर्टेंट बात, इसके बाद मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक वाइज कराने वाला हूँ मैथ्स, तो उसके लिए आपको आसानी रहेगी, आप तक आसानी से पहुँच पाएगा नोटिफिकेशन। तो पहला एग्जांपल आप देख सकें कैसे सलूशन निकाला गया है, 99 अगर 98 बटे 99 तो इसका सलूशन ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए देखिए भिन्न को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ और घटाना, जब हम भिन्न को जोड़ते हैं और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। कौन सी स्थितियाँ भैया, देख लेते हैं। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। दोस्तों जब हम किसी भिन्न का जोड़ या घटाना करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो वहाँ पे हमें यह देखना पड़ता है कि जो उनके क्या है, हर हों, आपस में बराबर हों। हर क्या कहलाती है दोस्तों, नीचे वाली संख्या। हर क्या कहलाती है, नीचे वाली संख्या क्या है, बराबर होने चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल क्या दिया हो, जैसे यहाँ पर देखेंगे क्या है कि हर आपके यहाँ पर बराबर है। देखिए हर बराबर हो तो क्या, ऊपर हम प्लस माइनस कर सकते, जैसे 7 + 11 - 14 दिया है ना, 7 हो गया, 11 हो गया, और माइनस क्या है, 14 दिया, तो उसको हम कर लेंगे। अगर आपके हर बराबर हैं, जैसे 7/3, 11/3 -14/3 है, 3 नीचे लिख लेंगे, ऊपर हम क्या लिखेंगे, जैसे 3 सभी में बराबर हैं, तो बटे में 3 लिख लेंगे, कॉमन आएगा, प्लस 7 लिखेंगे, प्लस 11/3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, प्लस 11 लिख लेंगे, और माइनस क्या है, 14/3 है, 3 नीचे है, -14 कर लेंगे। अगर हर बराबर है तो ऐसे हम प्लस माइनस, यानी कि अगर आपके हर बराबर है तो जोड़ और घटाना किया जा सकता है, भिन्न को जोड़ना आसान होता है। तो 7 + 11 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, 7 + 11 कितना हो जाएगा, 18, 18 में से 14 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4/3 लिख लेंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 सही 3/3, ये आपका क्या होगा, संयुक्त भिन्न हो गया, ठीक है। साधारण भिन्न आपका 4/3 हो गया, ठीक है। अब संयुक्त भिन्न कैसे आ गया, 3 को जब हम 4 से भाग देंगे ना तो कितना बार जाएगा, एक ही बार ना जाएगा, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 4 में से 3 करेंगे, 1 शेष बचेगा आपका, ठीक है। तो कितनी बार जाए, एक बार जा रहा था, 1 सही 1/3 आ जाएगा आपका आंसर। अब देखिए सेकंड एग्जाम्पल जो दिया है, तो दिए गए सभी भिन्नों को हर आपस में बराबर हों, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हर बराबर हों तभी हमारा जोड़ और घटाना क्या है, इजली हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, हर बराबर हैं, 3 सभी में है, 7 + 11 - 14 है, बटे में 3 है, तो ये आपका 4/3 होगा। 7 + 11 क्या करेंगे, प्लस करेंगे, -14 कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा, तो 1 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ गए होंगे। अब देखेंगे सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए 2 सही 3/7 है, +5 सही 1/7 है, -3/7 है, हर क्या है दोस्तों, 7 7 तीनों में है, यानी हर बराबर है, ठीक है। तो क्या है, इसको संयुक्त में है, इसको हम क्या लिख लेंगे, साधारण भिन्न में लिखेंगे। साधारण भिन्न में क्या करते हैं,
देखिए, जैसे पहले आप देखेंगे संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करना, इसलिए मैंने आपको पहले बताया था। तो किसे इससे कैसे चेंज करेंगे, जैसे 2 सही 3/7 है, 2 7 का मल्टीप्लाई होगा और 300 क्या करते हैं, प्लस करते हैं। पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे क्या आ जाएगा, 17/3, 7 × 14 = 3, 17/3। इस प्रकार सेकंड में 5 7 35 और 1 36/7। इस प्रकार थर्ड में क्या है, 7 3/7, वो आपका पहले से दिया हुआ है, ठीक है। तो -3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हर आपके क्या बराबर है, तीनों में 7 7 है, तो 7 7 हो गए ना, तीनों में बराबर है। देखिए 7 7 सभी में है, तो नीचे 7 लिख देंगे। देखिए ऊपर क्या है, 17 है, ठीक है, तो ऊपर 17 लिख देंगे, 36 है और -3 है, 17 + 36 - 3 लिख देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, 17 36 + जोड़ेंगे और -3 कर देंगे, तो 53 - 3 करेंगे तो 50 आ जाएगा। और हर आपका क्या है, 7 है, तो 7 लिख देंगे। तो क्या है, अब देखिए ये आपका साधारण आ गया, क्या है, 50/7 आ गया, ठीक है। अब इसे हम कैसे चेंज करेंगे, क्या है, इसे हम संयुक्त में चेंज करना है। जैसे 17 और 36 को प्लस करेंगे 53 आ जाएगा, -3 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, 50 आ जाएगा, यानी 50 आ जाएगा, ठीक है। 50 में से क्या है, 7 का भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका, 7 सही 1/3, क्योंकि 50/7 आपका क्या है दोस्तों, साधारण है। इसे हम संयुक्त में कैसे चेंज करेंगे, 50 में क्या करेंगे, हम 7 का भाग देंगे, ठीक है। जब 7 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 50 49 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा शेष, तो कितने बार जा रहा, 7 बार जा रहा, तो उसे पहले लिख लेंगे, कितना शेष बचा ऊपर लिखेंगे और बटे में जो संख्या वो पहले सेम लिख लेते हैं, तो 7 सही 1/7 आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इसके लिए सूत्र क्या होता है, a + b + c/2, a + c + c/ क्या हो जाता है, डी होता है। डी क्या होता है दोस्तों, a + b + c का जो है डी डिफरेंस होता है। जैसे a/d + b/d + c/d है, तो वैसे आपका डी होता है, यानी हर आपकी देखिए तीनों में सेम है ना, तो वह इस प्रकार लिख सकते हैं a + b + c/d। जैसे 17/36 - 3/7 है ना, तो ऐसे ही आपको अलग अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आपको सारा वीडियो पसंद आया होगा। अब देखेंगे अगला कंडीशन, दो दूसरी है भिन्न में क्या कंडीशन रहती है, सेकंड कंडीशन भी देख लीजिए, ठीक है। सेकंड कंडीशन है दोस्तों, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या है, बहुत ही इंटरेस्टेड कंडीशन है और मज़े आएगा दोस्तों आपको वीडियो देखने में और समझने में मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, तो कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो देखेंगे कंडीशन 2, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अभी अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को भी फैमिली मेंबर में शेयर करिए जिनका भी मैथ्स वीक है या कि वो स्टार्ट कर रहे हैं किसी भी प्रिपरेशन के लिए, तो ये आपके पार्ट फर्स्ट सेकंड और ये जो तीसरा है इनको देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बेसिक चीज़ें का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर हमसे आ रही हैं ना, तो फिर सामने कोई भी, हम वैसे भी आपके 150+ वीडियो हमारे हो चुके हैं मैथ्स और इंजीनियरिंग के, तो उसे आप देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें देख लीजिए, ठीक है। तो कर चलिए देख लेते हैं, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हों। देखिए दोस्तों, जब सभी जो भिन्न दिए हों उसमें सभी के क्या है, भिन्न के हर क्या है, आपस में बराबर ना हों। अगर आपके भिन्न जो, जैसे पहले बताया ना कि हर बराबर नीचे आपके बराबर होने चाहिए हर, तो भिन्न को जोड़ा घटाना आसान होता है, लेकिन अगर भिन्न बराबर ना हो तो कैसे, जैसे देख लेते हैं। जैसे 3/4 + 7/6, नीचे 4 और 6 है भिन्न, यानी आपके हर जो है अलग अलग है, ठीक है। अब इसे अलग अलग है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे एलसीएम ट्रिक द्वारा सॉल्व करेंगे। एलसीएम दोस्तों क्या होता है, चलिए आज देख लेते हैं, एलसीएम भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे देखिए ब्रैकेट के अंदर 4 और 6 को हम एलसीएम एक साथ लेंगे, ठीक है। इसको हम किससे काटेंगे, 4 और 6 हमारा 2 से कटता है, तो 2 से जब हम इसे काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 2 4 होगा, 2 3 6 होगा, 2 3 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 3 आ गया, तो इसे क्या फिर से हम 2 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे क्या आ जाएगा, 2 का 1 2 1 + 2 हो जाएगा, 1 बचेगा आपका, फिर क्या 3 शेष बचेगा, फिर क्या 1 3 बच गया ना, इसको 3 से फिर काट दीजिए, 3 से फिर काटेंगे तो 1 3 1 3 है ना, तो क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, जो आपकी जो यहाँ पे लिखा है ना 2 2 3 जो काटे हैं ना, वो आपका एलसीएम, इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, 2 2 4 = 12, 3 2 6 = 12, ठीक है, 2 2 4 = 12 आपका क्या हो गया, एलसीएम आ गया। ऐसे एलसीएम निकाला जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें आप एलसीएम भी सीख गए अगर आपसे नहीं आ रहा है तो, ठीक है। मैं जानता हूं दोस्तों कि एलसीएम सभी से बनता है, लेकिन एलसीएम कैसे निकाल जाता है, ऐसे निकाल जाता है, 12 आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 12 एलसीएम आया है आप यहाँ पर देखिए 4 से और 6 है, मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए,
तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है, तीन आ गया ना, तो ऊपर वाली संख्या जिसे क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीन तिगाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो आपका 9 ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे भी करेंगे, 6 का कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 हो जाए, 2 से करेंगे ना, प्लस दिया तो प्लस लिख लेंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितने बार की, 12 हो जाए, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाए, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है। तो 2 का क्या है, ऊपर कितना दिया 7, तो 2 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 प्लस 14 आ गया, और 9 प्लस 14 क्या होता है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 9 प्लस 14 बटे 12, 9 प्लस 14 यानी 23, और नीचे आपका 12 हर दिया होता, 23 बटे 12 हो जाएगा। अभी आपका क्या हो गया, साधारण भिन्न आ गया, लेकिन अबे हम क्या मिश्रित भिन्न में इसे अगर आपका आंसर दिया हो तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इसे अगर मिश्रित भिन्न बनाना हो तो कैसे लिखेंगे। 23 को क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, 12 एक कम 12, क्योंकि 2 बार में 24 हो जाता है, तो अधिक हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 11, कितने बार जाए, एक बार जा रहा, शेष ऊपर वाली आती है, शेष जो बचता है ऊपर जाता है, यानी एक सही 11/12 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे नेक्स्ट जो अगला एग्जाम्पल है इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए सेकंड, 7/9, 2 सही 1/6, -7/6 है, आपको निकालना है इसे क्या होगा। तो क्या करेंगे, देखिए 9, 6, 6 दिया हुआ है, 6, 6 दो बार दिया हो, यानी कि एक ही बार हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो 6, 6, 6 कितनी बार में लिख ले उसका एलसीएम उतना ही आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए 7/9, अब देखिए दोस्तों 2 सही 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 13/6 लिख लेंगे, 6 दूनी 12, 13/6 हो जाएगा। तो क्या आ गया, 7/9 प्लस 13/6 -7/6, ये आपका क्या आ गया, ठीक है, साधारण भिन्न, साधारण भिन्न में बना लेंगे। इसके बाद हम क्या देखिए 9, 6, 6 आ गया, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए सर्किल में एलसीएम कैसे निकाले हैं, 6, 6, 9 है ना, अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का अगर हम इसे काटेंगे तो 6 का कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है, और 6 को कितना, 3 बार जाएगा, तो आपका 3 से काटेंगे 9 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, 2 × 3 × 3, तो 18 आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो 14 + 39, अब देखिए 18 एलसीएम आ गया ना, तो 9 का मल्टीप्लाई कितने से करें, 18 हो जाएगा, 2 बार करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली 7 वाली संख्या से करेंगे, 14 आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 18 आ जाएगा, 6 में कितनी का मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा, 13 3 कितना होता है, 39 होता है। इस प्रकार लास्ट वाले में भी करेंगे, 6 का कितने बार, 3 बार करेंगे, 18 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 7 से 7 = 21 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 14 + 39 - 21/18 आ गया, 14 39 को प्लस करिए और -21 से घटा दीजिए, तो आप कितना हो जाएगा, 32/18 आ जाएगा, ठीक है। जो बटे में संख्या होती है 18, जितना एलसीएम होता है वही लिखते हैं, तो 32/18 आ गया। इसे हम काट भी सकते हैं, कैसे काटेंगे, 2 से काटेंगे, 16 × 2 = 32 होता है और 9 × 2 = 18 होता है, तो इसे काट लेंगे तो 16/9 आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका साधारण भिन्न है, अब इसे मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 2 से काट लेंगे ना आराम से, 16 × 2 = 32 होता है और 9 × 2 = 18 होता है, 2 से काटेंगे तो 16 × 2 = 32 और 9, यानी 16/9 आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपका साधारण भिन्न आ गया। ये मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, मिश्रित भिन्न में हम 16 को क्या करेंगे, 9 से भाग देंगे, जैसे पहले भी दे चुके हैं, ठीक है, 9 से भाग देंगे, एक ही बार जाएगा, 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 9 7 16 होता है, कितने बार जाए, एक बार जा रहा है, शेष जो भी बचता है वो ऊपर जाता है, एक सही 7/9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला, अगला दिया भिन्न का गुणा और भाग, भिन्न का गुणा भाग हम कैसे करते हैं, आइए चलिए देखते हैं। भिन्न का गुणा भाग करने के लिए से यहाँ पे देखिए a/b × c/d दिया है, ठीक है, बराबर कैसे लिख सकते हैं, a का मल्टीप्लाई c पूरे का बटे b गुणे d लिख सकते हैं, इस प्रकार गुणा कर सकते हैं। भिन्न का गुणा इस प्रकार होता है, यानी ए सी को हम ऊपर लिख देंगे और बी डी को नीचे एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई में ऐसा कर सकते हैं भिन्न का, ठीक है। अब बात जैसे एग्जाम्पल देख लिए, 2/3 × 5/7 है ना, तो बराबर क्या, ऊपर ऊपर वाले के ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा, यानी अंश अंश से गुणा होगा, हर हर से गुणा हो जाएगा, पूरे के बटे में लिख देंगे, 5 × 2 = 10, 7 = 21, यानी 10/21, ठीक है, 5 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 10/21 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड भाग वाली, भाग कैसे करते हैं, भिन्न का भाग कैसे किया जाता है, a/b · c/d बराबर, ठीक है, ये क्या करते, भाग की संक्रिया में क्या करते हैं, c/d को जो लास्ट वाली उसको पलट देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है ना तो उसे पलट देंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, d/c कर देंगे, यह हुआ है तो उसे हम क्या चेंज कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, यानी जैसे c/d है उसको हम d/c में चेंज कर लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, a × d / b × c आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हम चेंज, a/b को पहले जो संक्रिया है भाग की वो पहले हम सेम टू सेम लिखते हैं, लेकिन जो सेकंड वाली होते हैं उसे उलट देते हैं, यानी पलट देते हैं, यानी अगर c/d है
उसे डी बटे सी कर देंगे तो आपका मल्टीप्लाई में होगा। भाग से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसे पलटना पड़ेगा, ऊपर जो ए डी है तो उसे ए मल्टीप्लाई डी कर देंगे पूरे के बटे बी का सी से कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3/4 भागे 7/3 है, ठीक है, 3/4 पहले सेम लिखा हुआ, लेकिन जो सेकंड आपके भागे में 7/3 उसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं, 3/7 कर देंगे, क्योंकि भाग की जगह हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लाना है, तो इसके लिए हमें क्या पलटना पड़ेगा, लास्ट वाली संख्या को पलट देंगे, ठीक है। तो इसको हम 7/3 को पलट देंगे, क्या आ जाएगा, 3/7 में आ जाएगा। अब देखिए ऊपर ऊपर क्या 3 3 आ रहा है, ऊपर ऊपर वाली की संख्या से मल्टीप्लाई, नीचे नीचे वाली संख्या यानी अंश अंश से और हर हर से पूरे के बट्टे में लिख देंगे, 3 3 9 सचोक 28 यानी 9/28 आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद कर दोस्तों सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स जरूर कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है लाइक और शेयर कर दें दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट आ जाए तो आपको आसानी से इन बॉक्स में नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखिए थर्ड एग्जांपल देख लिया, 8/9 भागे 14/15 भागे 24/25 दिया हुआ है। अब यहां पे इस अगर आपके तीन संख्याएं दिए हो भिन्न में और उनका भाग दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। 8/9 दिया है ना, अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 14/15 है तो 15/14 कर देंगे, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 25/24 इसको भी पलट देंगे, यानी कि आगे हमें भाग से मल्टीप्लाई की चेंज करना, भाग हटा के मल्टीप्लाई लाना है तो क्या करेंगे, अंगली वाली संख्या को पलट देंगे। देखिए 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 5 3 15, 5 5 25, 5 से ये कट जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5 × 25/9 × 14 बचेगा, तो कितना आ जाएगा आपका, 125/14 आ जाएगा, 14 × 9 से करेंगे 126, 14 × 9 = 126 यानी 125/126 आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों समझ में आ गया, अब नोट देख लीजिए, ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जाता है। दोस्तों अगर आपका भिन्न जो है ऋणात्मक दिया हो या माइनस दिया हो उसे हम संयुक्त भिन्न में नहीं बदलते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, -17/5 दिया है ना, उसे हमें नहीं संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, क्यों नहीं बदल सकते, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम 17 में से 5 का भाग देंगे कितना आएगा, 5 3 15 आएगा, बचेगा 2 शेष, ठीक है, कितने बार जा रहा, 3 बार जा रहा, 3/2 आएगा, इन 3 सही 2/5 आएगा, ठीक है, -3 सही 2/5। लेकिन अगर हम इसी संख्या को क्या कर दें, फिर से मगर साधारण में लाते हैं तो क्या आ जाएगा, वही तो चीज़ है दोस्तों, अगर हम इसी संख्या को जैसे 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 15 आ जाएगा, वो भी कितने का, -15 आएगा, ऊपर क्या प्लस है, जब -15 है ऊपर +2 आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 13 ना होगा, -13/5 ना होगा। तो क्या है दोस्तों, क्या सीखने को मिला हमें, कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। इस वीडियो में बहुत अच्छा सीखने को मिल गया आपको कि ऋणात्मक भिन्न को हमें संयुक्त भिन्न में कभी नहीं बदल सकते हैं, अगर बदलेंगे तो हमारा साधारण भिन्न अगर दोबारा आ जाए ना वही, तो फिर देखिए, अब देखिए -4/ दिया है ना, 3/5 दिया हुआ है, 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 20 आ जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर प्लस करेंगे 3 सा, तब आपका क्या आएगा, 17/ आएगा, तब आपका क्या आएगा, -17/5 आएगा, जब आएगा, जब -4/3/5 होगा, -4 सही 3/5 होगा, तब आपका जाके -17/5, यानी कि ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता, यानी -17/5 को हम -3 सही 2/2 या संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो हमें सीखने को मिल गया दोस्तों, मजा आ गया वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट के लिए क्या है, आपको सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे फ्रेंड्स को, जो भी आपके फैमिली मेंबर में मैथ्स विन की वीक है, बेसिक चीज़ें हैं, पार्ट फर्स्ट सेकंड भी देख लीजिएगा, इसके साथ साथ देख चुके हैं पार्ट तीसरा है, और अगले जो अगले दिन आएगा पार्ट 4 आएगा इसका, तो बेसिक चीज़ें जो भी 4-5 पार्ट है मैथमेटिक्स के लिए जो जानना बहुत ज़रूरी है, कोचिंग में भी आपको यही बताया जाता है, तो ये आपको फ्री एडुकेशन मिल रहा तो जरूर लेना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको लाइक करने से कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें क्या मोरल सपोर्ट मिलता है, तो मोरल सपोर्ट के लिए हमारे लाइक करते रहिए, दोस्तों को भी शेयर करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं दोस्तों।